Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। ये फिल्मी सीन है, शरीर में जेनेटिक परिवर्तन कर सैनिकों को इतना ताकतवर बनाने की कोशिश की, उनके सामने कोई टिक ही ना पाए। रियल लाइफ की इस अद्भुत कल्पना को चीन रियल लाइफ में साकार करना चाहता है। चीन अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सैनिकों को फिल्मी सैनिकों जैसा सुपर सोल्जर बनाना चाहता है। अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने की चीन की साजिश, जेनेटिक परिवर्तन कर सैनिकों की शारीरिक क्षमता बढ़ाना चाहता है चीन। उसने कुछ सैनिकों पर इसका परीक्षण भी किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने यह विस्फोटक दावा किया है। उनके इस खुलासे से पूरी खलबली मच गई है। एक अमेरिकी अखबार में लिखे अपने लेख में यह खुलासा करते हुए रेडक्लिफ ने आगाह किया है कि चीन अमेरिका की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। उन्होंने लिखा कि चीन की पावर की भूख की कोई नैतिक सीमा नहीं। रेडक्लिफ टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद भी रह चुके हैं। रेडक्लिफ जो दावा कर रहे हैं उनके मुताबिक चीन ठीक वैसे ही सैनिक तैयार करना चाहता है जैसा हॉलीवुड की कई फिल्मों में दिखाया गया है। हालांकि उनके दफ्तर या सीआईए ने उनके दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दो अमेरिकी विद्वानों ने पिछले साल शोध पेपर में दावा किया था कि इस बात का संकेत है कि चीन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने सैनिकों की क्षमता बढ़ाना चाहता है। चीनी विशेषज्ञ इसके लिए CRISPR यानी क्लस्टर ऑफ रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल जेनेटिक बीमारियों के इलाज और पौधों में बदलाव करने के लिए किया जाता है। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक स्वस्थ व्यक्ति के जीन में बदलाव को अनैतिक मानते हैं। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में चीनी रक्षा टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ एल्जा कानिया और नौसेना के पूर्व अधिकारी विल्सन वॉन्डिक का मानना है कि चीन में बदलाव कर सुपर सोल्जर बनाना फिलहाल तो संभव नहीं दिखता, लेकिन चीन ने इस पर काम जरूर शुरू कर दिया है। चीनी सेना के वैज्ञानिक इस बात की संभावना तलाशने में जुट गए हैं। इन दोनों विशेषज्ञों ने 2015 में एक चीनी सैन्य अखबार में प्रकाशित लेख के हवाले से लिखा है कि चीनी सैन्य वैज्ञानिक लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बायोटेक्नोलॉजी सैन्य मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। रेडक्लिफ ने सुपर सोल्जर की चीनी साजिश का दावा करते हुए लिखा है कि अमेरिका की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। उन्होंने लिखा कि आज अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा चीन से है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब चीन से पूरी दुनिया के लोकतंत्र और आजादी को सबसे बड़ा खतरा है। बीजिंग आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से अमेरिका और पूरी दुनिया पर हावी होना चाहता है। अगर रेडक्लिफ के दावे में कोई सच्चाई है और अगर चीन वाकई ऐसी कोई साजिश रच रहा है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा।